नहाते समय पानी में 23 वर्षीय युवक डूबा। 24 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के थाना सहायक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बड़ुआ गोदाम विकासखंड प्रधान थाना से है, जहां भैंसई नदी में नहाते समय एक 23 वर्षीय युवक डूब गया है। 24 घंटे अधिक होने को है लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। वहीं सूचना मिलने पर गांव वालों ने प्रशासन को खबर की। आजमगढ़ से गोताखोर भी आए लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद युवक का पता नहीं चला है। वहीं परिजनों का रो का बुरा हाल है। क्या मामला था जी, बताएं, पूरा पर्चे बताएं। मैं अरविंद कुमार, ग्राम प्रधान बड़वा गोदाम विकासखंड प्रधान तहसील सदर के अंतर्गत आता है। क्या मामला है प्रधान? मामला यहाँ कल एक लड़के मेरे गांव का, जिसका नाम सुबेदार था, वो कहीं से आया, कल नहाने के लिए इस नदी में गया, कूदा। उसके साथ दो चार लड़के और थे। दो चार लड़के कूदते नहाते नहाते पुल की उस पश्चिमी तरफ से पूर्वी तरफ गए, जिसमें एक लड़का सुबेदार जो है कल जो उसी पानी के बहाव में बहने लगा। दूसरा लड़के प्रयास बहुत किए सब बचाने के लिए, लेकिन अपने को डूबते देख के उसको भी छोड़ दिया। वो लड़का कुछ दूर तक तो दिखाई दिया, उसके बाद जो है कि उस लड़के कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद हमको खुद सूचना मिली, मैं कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर था, लगभग 1:30 बजे सूचना हमको मिली, तो हमने तुरंत 106 लखनसी को फ़ोन किया, 112 नंबर डायल किया। इसके पहले गाँव के लड़के कुछ बचाने के लिए कूदने नदी में कूद गए थे। उसके बाद 100 नंबर 100 डायल, जो हम लोग लखनसी एस ओ साहब प्रभारी जो है, इसमें प्रभारी साहब हैं, वो आया मौके से 100 डायल बुलाकर गोताखोरों को बुलाया गया। और कुछ हमने व्यक्तिगत अपने तरफ से कुछ बुलाया गया नंबरलाओं को जो नदी में कूदते हैं, उनसे तरफ बहुत खोजवाया गया। कल लगभग 7:30-8 बजे तक रात हम लाइट जला कर भी खोजा गया, लेकिन डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। फिर सुबह 8 बजे से मल्ला भी बुलाए गए हैं, कुछ प्रशासन द्वारा आजमगढ़ से बाढ़ नियंत्रण वालों को बुलाया गया जो गोताखोर है, वो भी लगभग 2:30 घंटे से 1 बजे के बाद से ही सर्च कर रहे हैं। 2:30 घंटे से खोज कर रहे हैं लेकिन अभी तक पता नहीं चला। क्या लग रहा है आपको? अभी तो लग रहा है उसे कोई डेड बॉडी कहीं लग रहा है, आगे तक बह गई हो या तो कहीं कहीं फंसी हो, ये निश्चित नहीं किया जा सकता जी। बच्चे की उम्र क्या रही होगी? बच्चे की उम्र लगभग 23 साल है। उसके परिवार काफ़ी गरीब लग रहा है, और उसके बहुत गरीब है, और बड़ा लड़का घर का था, परिवार का रोजी रोटी उसी के साथ चलती थी। क्या कहना चाहिए? दैनिक मजदूरी करते हैं, और इसके लिए मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा, सरकार की तरफ से उस बच्चे को, उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता जो भी अधिक से अधिक दी जाए, और उस परिवार के बच्चे को किसी तरह उसको खोज के डेड बॉडी ही मिल जाती, परिवार को संतुष्टि मिलती है।